नमस्कार YouTube फैमिली, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारा धनुष बेबी बहुत अच्छा है दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो है दोस्तों संडे है, संडे का Q&A बॉक्स में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मिलने वाला है। और दूसरा दोस्तों कि आप सभी के हमें बहुत सारी कमेंट्स वगैरह आई कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो वीडियो ना आने का कारण ये सारी चीजें आपको आगे वीडियो में चल के जरूर पता चलने वाली है। तो चलो देखते हैं फटाफट आप सभी में से दोस्तों की मैंने कुछ 10 कमेंट सेलेक्ट की है, उनका मैं रिप्लाई वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप जरूर बने रहे क्योंकि किसी का भी कमेंट हो सकता है जिसका हम रिप्लाई देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं आगे किस किस का कमेंट आज आ सकता है। तो आप भी अगर आपका कमेंट वीडियो में शामिल करवाना चाहते हो, हमें प्यारा सा कमेंट करना, #प्रकाशask करके आप लिख सकते हैं आपका कमेंट। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। आज जो है कि टाइम नहीं है, सो इधर खाना वगैरह भी बना रहे हैं, तो आज की जो कमेंट का रिप्लाई हम यहीं से हमारे छोटे से घर से किचन से ही आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला कमेंट है दोस्तों श्वेता जी भोजने का, ये लिखती है मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती है। चलो आगे की कमेंट। तो आगे कमेंट में इरफान शेख भैया लिखता है कि इंसान में 3 चीजें मायने रखती है, विश्वास, भरोसा और प्यार। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपकी कमेंट हमें खास बताते हैं कि बहुत अच्छी लगती है, जिसमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं आगे की और कमेंट। आगे कमेंट में रेड आर्टिस्ट लिखते हैं इफ यू विल डू एनी वर्क फ्रॉम यूर हार्ट यू डिजायर फॉर सीन विल डेफिनेटली बी फुलफिल, इट इज ओके टू रिप्लाई टू माई कमेंट। थैंक यू सो मच रेड आर्टिस्ट जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम कोई काम दिल से करते हैं, दिल से सोचते हैं, तो वो पूरा होता है। तो आपकी इंग्लिश में कमेंट थी इसलिए हमें इंग्लिश इतना खास अच्छा आता नहीं है, जैसे आई वैसे रिप्लाई देने का कोशिश किया। आगे शिवम वर्मा जी लिखते हैं आप दोनों कौन से विलेज से है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वर्षा दीदी आप हिंदी बहुत अच्छे बोलती हो। थैंक यू सो मच शिवम वर्मा जी, थैंक यू भाई, हमारा हिंदी आपको पसंद आया। तो शिवम भाई, हमारा विलेज तहसील साकरी डिस्ट्रिक्ट धुले में आता है जामदे। तो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिला होगा और आपको दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। आगे नेहा धनक जी लिखते हैं थॉट नाइस, थैंक यू सो मच नेहा जी, हमारी जो विचार है, हमारे जो विचार आपको अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम आज की जो वीडियो है Q&A वीडियो, वो किचन में हमारे घर में ही शूट कर रहे हैं, बाहर जाने का मौका नहीं क्योंकि टाइम नहीं था दोस्तों। हम कल ही हॉस्पिटल से आए, ये वजह से थोड़ा मतलब फ्रेश हो रहे थे। तो अभी देखते हैं आगे की कमेंट। आगे शारदा इमेट जी लिखते हैं वहनी तो बहुत अच्छा हिंदी बोलती है, लेकिन जो भी बोलती है वह सुनने के लिए बहुत मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी, आपकी कमेंट हम डेली देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लगती है। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और आगे भी प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। आगे खुशी एंड किड्स लिखती है बहुत खूबसूरत वीडियो और आप लोगों की वीडियो और लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच खुशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों को बोलना और सब्सक्राइब भी करवाना ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए, आगे शेयर भी करना वीडियो को, थैंक यू। आगे लखन लोंडे जी लिखते हैं दादा 2 दिवसापासून वीडियो नहीं, तुमचा खूप मिस केलं तुमचा वीडियो बघण्यासाठी। लखन भाई, जो भी आपने लिखा कि हमारी 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली, आपने बहुत मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको दिल से कि आप हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं। बट इसका जवाब ये है कि हम हॉस्पिटल में थे और ये धनुष बेबी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था 4-5 दिन से, तो ये वजह से हमारी वीडियोज नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा टेंशन भी था। और जो भी है आपका सवाल का जवाब बस यही है कि हॉस्पिटल में होने के कारण से हम वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा आगे की कमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें सारे के सारे सवाल के जवाब आप सभी चाहने वालों का देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आगे रत्ना पाटिल जी लिखती है हमें कि तुमचे व्लॉग का ये नवते दादा
मस्त वीडियो। जो आप सभी के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमें आए हैं, उनमें से हमने दो तीन सवाल सेलेक्ट किए हैं कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, हम वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो है ना, ये धनुष बेबी बहुत ज्यादा बीमार था और इसे हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था। और हम चाहते हैं ना दोस्तों कि हम जो है खुश रहते हैं, वो खुशी आपसे जाहिर करते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल ब्लॉग होने के कारण से हमें ये भी लगता है कि जो भी हमारे साथ होता है वो आपको हम शेयर करें। बट वो वीडियो मैंने सारी की सारी शूट करके रखी है, एडिट नहीं की है, और वो आपको देखने के लिए जल्द से जल्द मिलने वाली है। 3-4 ब्लॉग आपको सारी की सारी हॉस्पिटल से रिलेटेड मिलने वाली है। पर दोस्तों वो वीडियो अपलोड करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, तो ये वजह से लगता है लोगों को, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिंपैथी पाने के लिए इमोशनल वीडियो बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमारा दिल नहीं करता। पर फिर भी आप सभी के जो ज्यादा से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इसलिए वो सारी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी के जो भी क्यूरीज थे, जो भी सवाल थे, उनके आपको जवाब मिले होंगे। आपको दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखना दोस्तों। तो चलो ऐसे कुछ खास लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपसे आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, वंदे।